दोस्तों बीते साल 2018 में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शादी के बंधन में बंधी और अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सोनम कपूर, आनंद आहूजा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस जैसे सितारों की शादी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और इस साल भी कुछ कपल्स की शादी को लेकर काफी चर्चाएं हैं। आइए जानते हैं इस साल से लेकर साल 2020 तक कौन कौन से सेलिब्रिटी स्टार कर सकते हैं शादी। नंबर एक, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा। ये कपल इस समय बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित कपल में से एक है और बीते दिनों अर्जुन और मलाइका ने अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर कबूल भी कर लिया। उम्मीद इस बात की है कि ये कपल इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध सकता है। नंबर दो, वरुण धवन और नताशा दलाल। अभिनेता वरुण धवन भी अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ अफेयर को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और इस कपल को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं कि वरुण और नताशा भी जल्द ही शादी कर सकते हैं। नंबर तीन, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। बॉलीवुड का ये क्यूट कपल साल 2018 से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में है और रणवीर और आलिया दोनों अपने रिश्ते को कबूल भी कर चुके हैं। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं और उम्मीद की जा रही है कि दोनों जल्दी शादी को लेकर फॉर्मल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। नंबर चार, फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर। हाल ही में न्यूयॉर्क में छुट्टियां बिताते हुए ये कपल स्पॉट हुआ था और सोशल मीडिया पर दोनों की एक साथ कई तस्वीरें हैं जिसमें दोनों काफी करीब नजर आते हैं। हालांकि ये कपल अपने रिश्तों को लेकर अभी तक चुप है पर कहा जा रहा है कि दोनों अगले साल शादी कर सकते हैं। नंबर पांच, रोहन श्रेष्ठ और श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेसी मेंटेन करती है। बीते दिनों ये खबर काफी वायरल हुई थी कि श्रद्धा अपने क्लोज फ्रेंड और सेलिब्रिटीज फोटोग्राफर से जल्दी शादी कर सकती है। नंबर छह, रोहमन सोल और सुष्मिता सेन। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड रोहमन सोल के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में है और अक्सर दोनों पार्टीज में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साल के अंत तक या 2020 की शुरुआत में शादी कर सकते हैं।